के बारे में, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोडिंग होगा दोस्तों, क्या है प्रोसेस, क्या चीज़ है एडमिट कार्ड के बारे में, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई लोग गलत डॉक्यूमेंट फिल कर दिए हैं तो क्या करना होगा, साथ ही साथ में इसका एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता आउट हो चुका है, कटअप क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा और तैयारी इसकी कैसे करें, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का बेस्ट बुक है दोस्तों, जो कि चच्चू पब्लिकेशन ने लाया है। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक स्टडी गाइड है दोस्तों, जो भी आपके सिलेबस में है, सामाजिक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सारी चीज़ों का इसमें आपका समन्वय है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। साथ ही साथ में आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं दोस्तों, 3000 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। उसके बाद आपके 4 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे दोस्तों, क्या मिल रहे हैं आपके 4 सॉल्व पेपर भी मिल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे जाके। अगर ये आपको बुक को परचेज करना दोस्तों, तो आप सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको ये बुक को मेरे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको सारा चीज़ें बताया गया है कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें ऐसा आया हुआ था। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का ये था, ठीक है। अगर आपको बुक को परचेज करना है तो सिंपली आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील का कहीं से भी आप बुक को मंगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीटेट, ट्रिपल सी, बिहार बीएड या फिर आपका सहायक आचार, यूपी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों। देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड के बारे में आप सभी को पता है कि डमी एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। डमी जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, वो आपका स्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है डमी एडमिट कार्ड, ठीक है। अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से आज डमी एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कर लें। और जो लोगों का गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है दोस्तों, जो लोगों का गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, वो लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों, डमी एडमिट कार्ड में देख लेंगे कि क्या मेरा गलती है। आपको 26 फरवरी तक में, आपको 26 फरवरी तक का डेट दिया है दोस्तों कि आप उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि एडमिट कार्ड के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, डमी एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कर ले जाके साइट से। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो सभी को पता है कि 3 से 12 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए अब आगे बात कर ले इसका सिलेबस के बारे में। तो समान हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समान अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता जो है दोस्तों, ये इसकी सिलेबस आप देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पे समान हिंदी, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी 20 क्वेश्चन, लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग आपके 10 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। चलिए आपको अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं खुद से, तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर किसी बुक का हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे चच्चू पब्लिकेशन का बुक का हेल्प आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पे 35% आपको लाना पड़ेगा 120 में, और वहीं अदर कैटेगरी के लिए दोस्तों आपको रिजर्व कैटेगरी जिसको बोल सकते हैं उसको 30% नंबर लाना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ के बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। एक से अधिक पालियों में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए लेवल सेम करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही करना होगा, नॉर्मलाइजेशन को करना ही करना होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अब कटअप के बारे में देख ले दोस्तों, तो कटअप कितनी जाने वाली है। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज के बारे में हम यहाँ पे दिखा देते हैं कुछ, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट में लिया गया है तो कटअप अनिजर के लिए 81 गया है दोस्तों, वहीं औरंगाबाद के कुछ में जाएगा तो 50 नंबर कटअप गया, ठीक है। इसकी चिंता ना करें, वो एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करेगा कटअप कितने जाने वाला है। आप आराम से 60 तक का स्कोर करें, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको आराम से कॉलेजेस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।